हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दुआ करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। बहुत दिनों के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद इस फेस पे थोड़ी सी स्माइल आई है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखो जो कि 11 नवंबर 2023 की है। मैं जानता हूँ इस वीडियो में मैं एक पिल्लू के टाइप से दिख रहा हूँ, जस्ट लाइक कि मुझको कोई बीमारी हो रखी है। बहुत पतला, बहुत पतला, वेट बस 45 से 44 के बीच में होगी। मैं बहुत स्किनी था, बहुत डिप्रेशन, आप फेस देख करके समझ सकते हो कि उस फेस पे कितनी ज़्यादा डिप्रेशन दिख रही है। और इससे भी पहले रुको, मैं अपनी 2 से 3 साल पहले की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ कुछ आपको अभी। अभी जो आपने फ़ोटोज़ देखी, उस फ़ोटोज़ को देखने से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितनी ज़्यादा, कितनी मुश्किलें सही होंगी, कितनी ताने सुने होंगे। कुछ ताने मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझको आज तक याद है। चूसा हुआ आम लग रहे हो तुम, मक्खी, मच्छर, स्केलेटन, हड्डी, ये सब सुन सुन कर ना कान फट जाते थे। ये सब सुना, बट इवन यहीं तक नहीं, स्कूल लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त करने पड़े थे। अगर आप स्किनी हो, अगर आप पावरफुल नहीं हो, अगर आपके बॉडी में वेट नहीं है, तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है अपने स्कूल लाइफ में भी। इवन आप घर पे हो तब भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप कपड़े पहनोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कुछ सहना पड़ता है। फाइनली अब मैं आपको अभी का बॉडी दिखाता हूँ। कैसी लगी मेरी बॉडी? आई नो अच्छी नहीं है, बट पहले से काफ़ी सही है। और मेरी जो ड्रीम वेट है वो है 55 kg। मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट 55 kg हो जाए। उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, सब कुछ को ऑन टाइम रखता हूँ। 55 kg तक पहुँचने में मुझे अभी 2 more months लगेंगे, और मुझको उम्मीद है कि इतने लंबे समय तक आप लोग मेरे साथ बने रहोगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने वेट गेन ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया है, एक्चुअली मैंने वेट गेन बहुत पहले से कर रहा हूँ। 42 से स्टार्ट करता था, 45 पे पहुँचते पहुँचते 2-3 महीने हो जाते थे, फिर छोड़ देता था, फिर वेट मेरा सेम तरीके से गिर जाता था 43-42 पे। ऐसे करके मैंने बहुत बार कोशिश किया और हाईएस्ट वेट गया था 47। बट इस बार पूरी तरीके से कंसिस्टेंट हूँ और अपनी पूरी इफ़र्ट्स दे रहा हूँ कि नहीं, दिस टाइम फाइनली वेट गेन करना है, खुद को फिट करना है और फिटनेस के गोल को ही पूरा करना है।
सो एक ही बात कहूँगा, कंसिस्टेंसी इज द की। बस एक चीज़ की कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहोगे तभी बॉडी बनेगी, कंसिस्टेंट रहोगे तभी वेट गेन होगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, 2 महीने करते हो, 3 महीने करते हो और छोड़ देते हो बिल्कुल मेरी तरह, तब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो इस बात को बस दिमाग में रख लेना है कि कंसिस्टेंट रहना है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।